जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव कुमार आपके साथ में एक बार फिर से हाजिर हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मेन गेट पर हमारा सिक्योरिटी का वो विजिटर हैंडलिंग, वेंडर हैंडलिंग और सप्लायर हैंडलिंग कैसे किया जाता है। इसको बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इसको बहुत ही अच्छा तरह से और स्मूथली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि हमारे कंपनी का नाम रिस्पॉन्स सब इन्हीं के ऊपर में रहता है। जैसे कि विजिटर हैंडलिंग के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ क्या क्या होना चाहिए। जैसे कोई भी विजिटर हमारे गेट पर आते हैं तो सबसे पहले हमको उनसे ये पूछना है, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, अंदर में आपको किनसे मिलना है। आप प्लीज उनको एक बार कांटेक्ट करके आप उनको बताइए कि आपने यहाँ पर आ गए। क्योंकि यहाँ देखिए, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ आपको कि फोन से कांटेक्ट करने के लिए, कि बहुत सारी कंपनियां में आज भी मैनुअल विजिटर एंट्री होता है और दूसरी कंपनियां में, बड़ी बड़ी कंपनियां में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक अभी हो गया है। उससे क्या होता है कि डायरेक्ट हमारा जो भी विजिटर आने वाले हैं पहले से इंफॉर्मेशन दे करके मेल के द्वारा उनका लिंक भेज दिया जाता है और उसको हम लोग क्या करते हैं मेन गेट में प्रिंटर से उसका पास को डाउनलोड करके ऑथराइज करके उनको हम पक्का गाइडलाइंस करके उनको हम भेज देते हैं। तो ये सब सवाल पूछने के बाद में उसके बाद क्या करेंगे, उनका पास जनरेट करेंगे। पास जनरेट करने के बाद में क्या है, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर होते हैं उनको एक मैप के द्वारा उनको समझाया जाता है कि आपको किस लोकेशन में, किस डायरेक्शन से आपको अंदर में जाना है। जाने के बाद में आपको किन किन चीज़ों का वहाँ पर ही बातों का ध्यान रखना है, ताकि उनसे कोई गड़बड़ी ना हो, उनको कोई असुविधा ना हो। क्योंकि हमारे कंपनी में वो आए हुए हैं, एक विजिटर है, एक अतिथि की तरह हैं, उनका हमको अच्छी तरह से स्वागत करना ही होगा। और दूसरी बात क्या है, साथ ही साथ उनके उनके साथ में क्या क्या टूल्स हैं, क्या सामान है, क्या गैजेट है, क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इनका एक हम लोग लिस्ट तैयार करेंगे। लिस्ट तैयार करने के बाद में उनसे हम लोग क्या करेंगे, उनसे लिखवा लेंगे एक हमारा जो भी रिटर्नेबल टूल्स रहेगा या फिर रजिस्टर एंट्री रहेगा उसमें हम लोग, ताकि इसलिए एंट्री करवाते हैं कि रिटर्न आने समय उनको कोई भी असुविधा ना हो, स्मूथली हम लोग इन करें और स्मूथली उनको हम आउट करें। साथ ही साथ आउट टाइम के समय हम लोग उनका तो आउट टाइम रजिस्टर में डालेंगे ही, उसके साथ उनका पास जो है वो हमारे कंपनी का जो है उनको हम कलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ उनका टूल्स वगैरह, गैजेट वगैरह, जितना चीज़ भी है हम लोग चेक करने के बाद में उनको आराम से हम लोग भेजते हैं। इसी तरह से वेंडर है, वेंडर का क्या है, कुछ प्रोसेस इसमें डिफरेंस है। जैसे कि वेंडर यहाँ पर क्या करने आता है, कंपनी में कोई भी काम करने के लिए आता है, कोई भी चीज़ नया चीज़ बनाने के लिए आता है, रेक्टिफिकेशन करने के लिए आता है, मॉडिफिकेशन करने के लिए आता है। उनको हमारे जो भी प्रोजेक्ट वाले जो हैं कंपनी के, वो उनको अंदर बुलाते हैं। उसमें उनका क्या क्या चीज़ ध्यान देने वाला चीज़ है, जैसे कि देखिए आपको क्या है कि अंदर वो काम करने वाले हैं तो उनका वर्क परमिट होना जरूरी है। वर्क परमिट के साथ साथ आपको सेफ्टी का अप्रूवल भी होना जरूरी है, क्योंकि सेफ्टी इक्विपमेंट के द्वारा वो काम करने वाले हैं, सही ढंग से उनका ट्रेनिंग मिला है या नहीं मिला है इसका हम लोग को जानकारी होना चाहिए। इसलिए उनके पास में क्या होता है, मैनुअल होगा या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट कॉपी होगा, उनमें हम लोग देख करके उनको वेरीफाई करेंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, वो जिस भी पोजीशन में, जिस भी लोकेशन में वो लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, नियर बाई हमारा जो भी सिक्योरिटी पोस्ट है या फिर गार्ड है, वहाँ पर जा करके हम लोग क्या करते हैं, बाई कॉल, वाकी या फिर जैसे भी हम लोग संदेश दे सकते हैं वहाँ पर हम लोग मैसेज पास करेंगे, ताकि वो उनको निगरानी कर सके, ताकि हमारे कोई भी कंपनी का संपत्ति का क्षतिग्रस्त ना कर सके। जिस प्रोजेक्ट के लिए आए हुए हैं वही प्रोजेक्ट में वो काम करें, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, वो काम करने के बाद वो जब बाहर जब निकलेंगे तो वही प्रोसेस हम लोग जो अभी विजिटर में अभी मैं बताया था वही प्रोसेस करेंगे। उनका पास जो है वो कलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ क्या है कि उनका टूल्स लिस्ट जो भी है उन लोग चेक करेंगे, उनका सारा चीज़ मटेरियल चेक करने के बाद भी जो जो चीज़ इन हुआ है वही चीज़ हमारा आउट होगा। ऐसा नहीं है कि अंदर जाने के बाद उनका कुछ मटेरियल बढ़ गया तो उनको हम लोग तत्काल वहीं पर क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, अपने सीनियर को इन्फॉर्म करेंगे। इन्फॉर्म करने के बाद में जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो सब हम लोग कंपनी के द्वारा हैंडल करेंगे। अब देखिए तीसरा पॉइंट हमारा होता है सप्लायर का। तो सप्लायर देखिए क्यों आता है, सप्लायर इसलिए आता है कि कोई भी मशीनरी फॉल्ट है या फिर कोई भी लेआउट में हमारा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कंपनी के अंदर में, जो कि उसको मेंशन करने के लिए, मेल करने के लिए, बनाने के लिए या सुधारने के लिए, ऐसे करके प्रोजेक्ट के लिए वो आते हैं। तो आपको इसमें भी एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, वो जब आएंगे
तो उसके लिए जो भी प्रोजेक्ट ओनर जो हैं उनसे कम्युनिकेशन करना है, उनका पास क्रिएट करना है, पास करने के बाद में पक्का अप्रूवल के द्वारा ही अंदर भेजना है, क्योंकि हमारी कंपनी के प्रॉपर्टी में वो लोग डायरेक्ट हाथ हाथ को लगाने वाले हैं, उनसे छेड़छाड़ करने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है कि सही जानकारी नहीं रहने के कारण क्या होता है कि अगर वो अच्छा काम करने गए हैं साथ ही साथ और भी बिगाड़ करके आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए। खैर ये सब तो हमारे सिक्योरिटी के अंदर में नहीं है, लेकिन कुछ जो नियम है उसको हम लोग फॉलोअप करते हैं, जैसे कि RGP टूल्स वगैरह वो कुछ भी ले करके आते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे पक्का चेक करने के बाद, एंट्री करने के बाद और अप्रूव्ड करेंगे अंदर जाने के लिए। उसी टाइम में वो जब रिटर्न आएंगे तो उसी टाइम में हम लोग क्या करेंगे वही प्रोसेस हम लोग सेम दोहराएंगे, मगर क्या है कि उस समय हम लोग अपना RGP गेट पास सभी कुछ ले लेंगे। लेने के बाद में क्या होगा उनका प्रॉपरली हम लोग आउट टाइम डालेंगे और उनको आराम से विदा करेंगे। उससे पहले सप्लायर क्या है, जैसे कि आपको मैं अभी बताया हूँ कि कुछ मशीन ठीक करने के लिए आते हैं, रेक्टिफिकेशन करने के लिए आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तभी सप्लायर को बुलाया जाता है जो कि वो आते हैं। तो उस समय में उनका टूल्स चेक करने के दौरान हम लोग ये पक्का ध्यान देंगे कि उनके साथ में कोई एक्स्ट्रा टूल्स तो नहीं है, या फिर डेमो पर्पस के लिए कुछ ले करके आए हुए थे, अब वो ले करके जा रहे हैं कि नहीं ले करके जा रहे हैं, या फिर कुछ और लेकर के जा रहे हैं तो उनके साथ में इनवॉइस होना चाहिए या DC होना चाहिए या फिर RGP गेट पास होना चाहिए जो कि रिटेनेबल गेट पास होता है, क्योंकि वो बना करके वो क्या करेंगे दोबारा वो कंपनी में आएंगे उस जगह में मशीन को में फिट करेंगे। तो ऐसा करके प्रोसेस होता है जो कि हमारा सिक्योरिटी गार्ड को पक्का देखना मेन गेट में जरूरी होता है, और ये मेन गेट का बहुत ही प्रमुख ड्यूटी है जो कि हर किसी को अच्छी तरह से आना चाहिए, बाकी हमारे जो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए तो क्या होगा कि आराम से हम लोग हैंडल कर सकते हैं, कोई भी असुविधा नहीं होगा। ओके, जय हिंद।